तो थैंक यू फॉर विजिटिंग माय वीडियो सो लेट जस्ट डाइव इनटू वीडियो सो पेंशन स्कीम के बारे में हम देखने जा रहे हैं सो so, हमें इस पेंशन स्कीम के बारे में कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए सो so, हम इस वीडियो को फोर पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं सो फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट ओल्ड पेंशन स्कीम सेकेंड इज़ न्यू पेंशन स्कीम थर्ड इज़ यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड फोर्थ इज़ डिफ्रेंस बिटवीन दिस थ्री स्कीम्स राइट सो फर्स्ट वाट इज़ ओल्ड पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है सो so, पहले तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉज को ही अप्लीकेबल था और उनका सर्विस पीरियड क्या होना चाहिए था सो मिनिमम टेन ईयर्स होना चाहिए था ओके okay? और वो मंथली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट विल बी ऑन द बेस ऑफ लास्ट सैलरी ड्रॉन प्लस नंबर ऑफ ईयर्स सर्वड ऐसे कैलकुलेट करते थे सो so, इसमें बेनिफिट ऑफ डी एन एस भी इंक्लूडेड था सो so, यहाँ पे ये सब कौन कंट्रीब्यूट करता था ओनली गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता था सो so, एम्प्लॉय कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं थी उन लोगों को सो फंड फ्रॉम बजट एलोकेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ओल्ड पेंशन स्कीम था वो बजट में से पैसे काट के एम्प्लॉयज को देता था एज अ पेंशन ओके सो वॉट इज़ न्यू पेंशन स्कीम सो न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉज सैलरी तो यहाँ से एम्प्लॉज़ का एम्प्लॉज़ की सैलरीज में से पेंशन कट करना शुरू हो गया सो गवर्नमेंट एम्प्लॉज़ कॉन्ट्रीब्यूट नियरली टेन नॉट नियरली टेन परसेंट बेसिक सैलरी प्लस डी एन एस अलाउंस वो पे करते थे लेकिन टू थाउजेंड नाइनटीन के बाद फोर्टीन परसेंट तक इंक्रीज हो गया और गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भी था इसमें जो कि फोर्टीन परसेंट था सो एन पी एस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू थाउजेंड फोर बाई अटल बिहारी गवर्नमेंट ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सो टू थाउजेंड फोर में जब ये एन पी एस आया टू थाउजेंड फोर में तब ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ था लेकिन टू थाउजेंड नाइन में इसको फॉर एवरी वन इंक्लूड कर दिया मगर वॉल्ट्री बेस ओके जो मिनिमम फाइव हंड्रेड कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते थे अप टू अनलिमिटेड मनीस तक ओके अनलिमिटेड रुपीज़ तक राइट right? सो so, यहाँ पे पी एफ़ आर डी इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे देखो बजट अलोकेशन पहले होता था ओल्ड पेंशन में लेकिन ये न्यू पेंशन में पी एफ आर डी बोल तो फ़ंड बना दिया एक्चुअल में फ़ंड बना दिया सो so, ये फ़ंड क्या करता था उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर देता था फिर वो जाके इन्वेस्ट करता था और वो जो इंटरेस्ट आता था उस पर कमाई करता था राइट right? So, ये क्या है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी राइट सो थर्ड वन यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि ये लेटेस्ट वन है और ये टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव अप्रैल फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव से इंट्रोड्यूस हो जाएगा सो so, इसमें क्या है पहले तो फिफ्टी परसेंट ऑफ एवरेज बेसिक पे प्लस डी एरनेस ऑफ लास्ट ट्वेल्व मंथ्स सैलरी न्यू पेंशन में टेन मंथ्स सैलरी का एवरेज निकालते थे यहाँ पे ट्वेल्व मंथ्स का सैलरी एवरेज ओके कंडीशन वॉस ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ सर्विस होना चाहिए लेकिन ट्वेंटी फाइव ईयरस से कम या फिर दस साल से ज़्यादा हो तो मिनिमम टेन थाउजेंड तक मिलता था उनको और या फिर मिलेगा सॉरी सो so, जो फैमिलीज़ को भी सिक्सटी परसेंट ऑफ पेंशन मिल सकता है और डी एन एस रिलीफ भी है इसमें सो so, ये है न्यू पेंशन स्कीम सो so, पहले इसका डिफरेंस देखेंगे तो सही में मालूम होगा कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है यहाँ पे सो डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री स्कीम्स सो ओ यानी ओल्ड पेंशन स्कीम इसमें ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉज का ही पेंशन होता था लेकिन एन में बहुत गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फ्रॉम टूथ राइट और यू में एन का मॉडल यूज़ किया गया है सो ओ पी में लास्ट ड्रॉन सैलरी प्लस डीएनएस एन एस और एनपीएस में बेसिक बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट राइट जो कितना इन्वेस्ट करेगा उतना मिलेगा और यूपीएस में देखो यहाँ पे यूपीएस में एनपीएस का मॉडल नहीं लिया ओपीएस का मॉडल लिया है ओके सो फिफ्टी परसेंट और लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर टेन मंथ्स एवरेज और वो सब जो अब फिफ्टी परसेंट या फिर लास्ट ट्रांस एवरेज जो दो में से जो भी ग्रेटर होगा वो कंसिडर किया जाएगा और यहाँ पे एन पी एस में सिक्सटी बोल तो जब रिटायर हो जाएगी तो जो हंड्रेड परसेंट अमाउंट जमा होगा उसमें सिक्सटी परसेंट लमसम दे देंगे और जो फोर्टी परसेंट होगा वो मंथली बेसिस पे आएगा और यू पी एस में भी सेम वही क्राइटेरिया यूज़ किया गया है सो ओ पी एस में कॉन्ट्रीब्यूशन बाई नो कॉन्ट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयज़ ओनली गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता था लेकिन एन पी एस में टेन परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि इंक्रीज करके फोर्टीन परसेंट कर दिया और ख़ुद का इन्वेस्टमेंट फोर्टीन परसेंट बाई गवर्नमेंट और यू पी एस में एन पी एस का मॉडल यूज़ किया गया है सो ओ पी एस में टैक्स बेनिफिट कुछ भी नहीं था लेकिन एन पी एस में आई टी एक्ट सेक्शन ए के अनुसार वन पॉइंट फाइव फाइव लैक्स यानी कि वन पॉइंट वन लैख फिफ़्टी थाउजेंड और ए टी सी सी डी के अनुसार फिफ्टी थाउजेंड सो टोटली टू लैक्स का बेनिफिट मिलता था टैक्स में डिडक्शन okay? का ओके और यू में एन का मॉडल यूज़ किया गया है तो हम यू में देखें तो एन और ओ दोनों मॉडल का यूज़ किया गया है इसलिए हम इसे यूनिफाइड कहते हैं शायद अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू